ऋषि पाल सिंह, मीरा गुआ इंटर कॉलेज अवर काशी, बिलारी अमराबाद से हम लोग बच्चों के साथ यहाँ पे भ्रमण के लिए आए हुए हैं। इससे पहले भी हम गत वर्षों में कई बार आ चुके थे, लेकिन इससे पहले जो सुंदरता हमें इस समय दिखाई दी, इससे पहले हमें सुंदरता नहीं थी। हम तो ये सोचे शायद सरकार का प्रोजेक्ट है, लेकिन मुझसे अभी मालूम करने के पता चली प्राइवेट कोई बंसल जी हैं, उनका प्रोजेक्ट चल रहा। हम तो धन्यवाद देंगे कि ऐसे ही सब लोग जुड़ते रहे और इसको और मनोहर तरह से अच्छा लगे, ताकि एक तरह से टूरिस्ट हो जाए पूरा पार्क। बिल्कुल, बड़ी खुशी की बात है, यहाँ देख कर के बड़ा हर्ष हो रहा है कि यहाँ जो हमारी गंगा नदी बह रही है, इसकी स्वच्छता बनाए रखने के लिए नाले रोके हैं और जो पर्यटन स्थल बनाया है, इसे देख कर के खुशी हो रही है। हमारी संस्कृति और स्वच्छता दोनों को ध्यान रखते हुए यहाँ को संवारा है और आने वाले लोगों को अच्छे संस्कार उद्देश्य मिलेंगे। यहाँ की जो शहरों के नाले उन रोक करके और यहाँ पर्यटन स्थल बनाया है, और ख़ास तौर से जो नाले नदी मिलते थे, नदी हमारे पवित्र हो जाएगी। और बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने ये कदम उठाया है, और राकेश कुमार मुनादर। मैं दानवीर सिंह, श्रीमती मीरा अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से, अमरपुर काशी से। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर ये व्यवस्था देख करके, इतना अच्छा माहौल बनाने जा रहे हैं कि हम ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। और एक प्राइवेट तौर से ऐसा कोई व्यक्ति ने ये कदम उठाया कि हम इतना अच्छा बनाएं, तो ऐसे ही अगर सबकी लगन हो तो ये बहुत दोबारा से वही द्वापर युग वाला माहौल बन सकता है। धन्यवाद। भारत माता की जय। यमुना मिशन की जय। पधारे यमुना मिशन पर, आपको कैसा लगा यमुना मिशन पर आके? मेघा जी, यमुना मिशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कुछ इसलिए भी ज़्यादा प्रिय है क्योंकि मथुरा मेरी जन्मभूमि है, और आज से 15-20 साल पहले इस जगह का जो गंदा देखती थी ना, गंदा स्थान देखती थी, उसे देख के बड़ा क्षोभ होता था जी। और या यूँ कहिए कि इस इलाके में आना छोड़ दिया जी। विश्राम घाट मेरा जन्म स्थान है, बस वहीं से आते थे, वहीं से चले जाते थे जी जी। लेकिन अब पिछले 5 सालों से, जब से यमुना मिशन से जुड़ी हूँ, बस मन बहुत आह्लादित है। बंसल साहब के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ, और यमुना मिशन से जुड़े हुए हर कार्यकर्ता की जो कर्मठता है, उसको देखकर मैं बहुत अभिभूत हूँ। मुझे लगता है जैसे कहाँ आ गए हम, बहुत अच्छी जगह आ गए, और यमुना मिशन बहुत आगे जाए, इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। हम सभी का उत्तरदायित्व हो, और वृक्षारोपण से हमारे जीवन की शुद्धता, हमारे जीवन की पवित्रता बनी रहती है, और हमें निश्चित रूप से यमुना जी का संरक्षण करना है। हमारी सबकी के सहयोग से ये जो कार्य हो रहा है, वो निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। मैं इस कार्य की सराहना करता हूँ। मैंने ये यमुना विहार वृक्षारोपण देखा, ये आप लोगों ने बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया है। पर्यावरण की रक्षा सबसे जरूरी है, इस ग्रीन ग्लोबल जो पूरे वर्ल्ड में जिसे लोग पीड़ित हैं, आपने बहुत बढ़िया काम किया है। बिल्कुल यहाँ पे कायाकल्प हो गया, पक्षियों के लिए, पूजा सामग्री के लिए जो अलग से आपने बनाया है, बहुत अच्छा। इसी तरह अगर आप लोग करते रहे तो जो हम सोच रहे हैं भाई, हमारी गंगा माता पवित्र हो, यमुना माता पवित्र हो, वो पॉसिबल हो पाएगा। थैंक यू।